हाँ भाई नमस्कार दोस्तों। देखिए कल हमने इससे पहले भी कुछ नाम पढ़े थे, आज फिर कुछ नए नाम पढ़ेंगे। पद्मश्री पुरस्कार चल रहे थे और देखिए जो भी नाम मैं आपको करा रहा हूँ उनको आप अच्छे से तैयार करते जाएं, आपके काम में ही आएंगी ये चीज़ें। तो देखिए एक नाम दिख रहा है अपन को, ग्रीस प्रभो ने समाज सेवा से क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। तो ग्रीस प्रभु ने, कि अगर अपन देखें इनके बारे में थोड़ा सा, ग्रीस प्रभु ने जो है सोशल वर्कर है, महाराष्ट्र के सोशल वर्कर फ्रॉम पुणे, वर्किंग फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ नोमेडिक परधी, ठीक है, ट्राइबल्स। कुल मिला के अपन को एक नाम याद रखना है, ग्रीस प्रभु ने याद रखना है, और समाज सेवा महाराष्ट्र। तो ग्रीस ग्रीस कहते हैं कि प्रभु ने, ग्रीस कहते हैं कि प्रभु ने उनको महाराष्ट्र मतलब महान बनाया है, प्रभु ने उनको महान बनने का मौका दिया है, तो ये महान बन गए हैं। क्योंकि ये महान कैसे बनी है, समाज सेवा से बनी है, ठीक है। तो ग्रीस प्रभु ने शब्द दिख रहा है, तो ग्रीस प्रभु ने का मतलब क्या है कि ग्रीस प्रभु ने जो है बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं कि उनको प्रभु ने महान बनाया है समाज सेवा से, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए एक नाम दिख रहा है नंदा प्रष्टि, साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं, उड़ीसा से संबंधित हैं, ठीक है। नंदा प्रष्टि आपको दिख रहे हैं, एक 98 साल के बुजुर्ग हैं जिन्होंने लिखा हुआ है 98 ईयर ओल्ड विलेज स्कूल टीचर फ्रॉम जयपुर, पॉपुलर एज नंदा सर, ठीक है। नंदा सर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, और बहुत पॉपुलर हैं नंदा सर के नाम से, यानी कि इन्होंने ग्रामीण मतलब इतनी उम्र में भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं करा, उनको बच्चों को पढ़ाया। तो नंदा, क्या नाम लिखा है, नंदा प्रष्टि है और उड़ीसा है। तो नंदा प्रष्टि को अपन को याद रखना है, नंदा प्रष्टि जो है, नंदा प्रष्टि साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं, ठीक है, और नंदा प्रष्टि है और ये उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। नंदा प्रष्टि उड़ीसा, यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नंदा प्रष्टि ने जिनको भी पढ़ाया, वो जिनको भी पढ़ाया तो वो बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, उड़ते हुए चले गए, ऊंचाइयों पर पहुंच गए। तो उड़ीसा को अपन को थोड़ा सा राज्य को याद रखना है, नंदा प्रष्टि को याद रखना है, किससे संबंधित है, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है नंदा प्रष्टि। अगला देखते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है के रामचंद्र पुलावर, ठीक है। तो रामचंद्र पुलावर, जैसा कि आपको इमेज दिख रही है तो इमेज पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा सही है। और आपको मैंने जो PDF अवेलेबल करा दी है, आपकी जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में डली हुई है, जिन लोगों ने डाउनलोड कर ली अच्छी बात है, नहीं करिए तो कर लेना, ठीक है। तो उस PDF का एक बेनिफिट रहेगा, आप कभी भी अपने मोबाइल में इस PDF को देख सकते हैं और सबका रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। तो के रामचंद्र पुलावर, अब देखो पुलावर रखना, रामचंद्र पुलावर याद रखना है, ये कला से संबंधित है और केरल से संबंधित है, ठीक है। तो के से देखो, के से क से बन गया कला और का से बन गया केरल। तो के रामचंद्र पुलावर या रामचंद्र पुलावर ने इन्होंने क्या किया, एक फ्लावर बनाया है, इन्होंने एक फ्लावर बनाया है, फ्लावर, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर बनाए हैं इन्होंने। तो कला के क्षेत्र में अपन को याद रखना है रामचंद्र पुलावर, आप नाम आ जाएगा रामचंद्र पुलावर, और फ्लावर बनाए हैं, के है तो का से कला, का से केरल, अपन को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला नाम लिखा है बालन पुथेरी, क्या नाम है, बालन पुथेरी। देखो बालन पुथेरी का मतलब इनके बालों पर कोई चीज पोत दी गई है ना, इनको बालों को सफेद कर दिया गया है, साहित्य से संबंधित है और केरल से संबंधित है, ठीक है। तो बालन पुथेरी को साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में, तो देखो पुथेरी लिखा हुआ है, पुथेरी, बालन पुथेरी, और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है। तो केरल को याद रखना है, केरल को याद रखना, बालन पुथेरी लिटरेचर है, एजुकेशन, केरला, विजुअली इम्पेयर्ड ऑथर फ्रॉम, ठीक है, मलापुरम, नाउन एज हैविंग रिटन 250 बुक्स ऑन इंडियन कल्चर, ठीक है। तो उन्होंने लगभग 250 यानी 250 बुक हैं जो उनसे, उनके द्वारा लिखी गई हैं जो भी है। तो आपको याद रखना है बालन पुथेरी, बालन पुथेरी का जो संबंध है वो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, और राज्य कौन सा है, केरल। तो केरल को अपन को याद रखना है, साहित्य तो शिक्षा संबंधित है बालन पुथेरी। तो बालन पर इनके कलर पोत दिया गया है, पोत दिया गया है बालन को पुथेरी, और इनका संबंध किस राज्य से है, केरल से है। तो केरल को अपन को याद रखना, केरल यानी वो कह रहे थे कि मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे थे कि मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसलिए उनके बालों पर कलर क्या किया, उनके बालों पर कलर पोत दिया गया, ठीक है।
अगला देखते हैं। अगला नाम लिखा है बिरुबाला राभा। तो बिरुबाला राभा वैसे तो महिलाएं तो हमें दिख रही हैं, ठीक है, और इस समाज सेवा से क्षेत्र संबंधित है और असम से संबंधित है। बिरुबाला राभा, तो बिरुबाला राभा को अपन को याद रखना है, बिरुबाला। तो बिरुबाला राभा हैं, और ये राभा हैं और असम है। तो बिरुबाला ने ठीक है, बिरुबाला ने अपने समाज सेवा में क्या किया, बहुत अच्छे काम किए, उनका नाम हो गया, और समाज के कठिन से कठिन कामों को उन्होंने क्या बना दिया, बोले आसान बना दिया। कैसा बना दिया, आसान बना दिया, आसान बना दिया। तो असम, असम से अपन आसान भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है बिरुबाला राभा, ठीक है, बिरुबाला राभा है, बिरुबाला याद रखना है, ठीक है, जो समाज सेवा संबंधित है, और इनका संबंध किस राज्य से है, असम से। अगला नाम लिखा है कनक राजू। कनक राजू, क से कनक, का से कला, पर केरल नहीं है यहाँ पर। कनक राजू का संबंध कहाँ से, तेलंगाना है, ठीक है। कनक राजू ऐसे याद रखेंगे, कनक, कनक एक लड़की का नाम है, राजू, ठीक है। कनक को राजू सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, बोले गाना। कनक को राजू क्या सिखा रहे हैं, बोले गाना। तो कनक को राजू क्या है, गाना सुना सिखा रहे हैं। तो कनक राजू, कला है उनके पास, गाने की कला है, तो ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। हालांकि क्या लिखा हुआ है कि गुस्सेडी डांसर फ्रॉम एसी आसिफाबाद प्रिसर्विंग द डाइंग ट्राइबल आर्ट फ्रॉम बाय ट्रेनिंग, ठीक है। तो आदिवासियों से संबंधित, यानी कहीं ना कहीं जो उनके पास ऐसी कला है, कनक राजू के पास, तो तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है। अगला नाम देखते हैं बॉम्बे जयश्री रामनाथ। कला के क्षेत्र में तमिलनाडु, तो देखिए बॉम्बे जयश्री रामनाथ तमिलनाडु का, ठीक है। बॉम्बे जयश्री रामनाथ यानी बॉम्बे जैसी बनाना है, एक मील ओपन करेंगे, ठीक है। तू कल आ, अपन मील ओपन कर रहे हैं, मील का उद्घाटन कर रहे हैं, और मील कैसी बनी है हमारे यहाँ, मील बनी है बॉम्बे जैसी, ठीक है। मील कैसी बनी है, बिल्कुल बॉम्बे जैसी बनी है, जैसे बॉम्बे होते ना वैसी मील बनवा रहे हैं अपन, ठीक है। तो तू कल आ, कला, कल आ और मील देख के आ, तो कला के क्षेत्र में बॉम्बे जयश्री रामनाथ, ठीक है। अगला नाम देखते हैं धनंजय दिवाकर सचदेव, चिकित्सा केरल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं धनंजय, धनंजय जो है दिलाकर, यानी कि धन, अपने धन से दिलाकर, ठीक है, धन से दवा दिलाकर, ऐसे ना, धन से दवा दिलाकर चिकित्सा करा दी। के रियल कह रहे हैं कि रियल में ये हीरो है, के रियल कह रहे हैं कि रियल में हीरो तो यही है, क्योंकि इन्होंने अपना धन से दवा दिवाकर चिकित्सा करवा दी। तो धनंजय दिवाकर सचदेव का संबंध चिकित्सा से है, और राज्य जो है वो उनका केरल है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सत्यराम रियांग। कला के क्षेत्र में है त्रिपुरा से, सत्यराम रियांग, रियांग लिखा हुआ है, रियांग, ठीक है, रियांग को याद रखना है। रियांग जो है त्रिपुरा से संबंधित है, कहाँ संबंधित है, त्रिपुरा से, ठीक है, रियांग। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए कला है त्रिपुरा, तो रियांग से अपन ऐसे याद करेंगे रिया, ठीक है, रिया, रिया का एक अंग, रियांग यानी रिया का जो अंग है यानी एक हाथ है, वो पूरा खराब है। कैसा है, पूरा खराब है, लेकिन फिर भी वो दूसरे हाथ से अपनी कला बिखेरती हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। सत्यराम यानी सत्य है कि राम ने भी क्या, मतलब एक रियांग, रिया के एक अंग को, मतलब रिया के एक अंग खराब है, और फिर भी वो अपना कला है उसके पास कि पूरा काम वो एक हाथ से कर लेती है। त्रिपुरा यानी पूरा काम एक हाथ से कर लेती है, उसके पास कला है, ठीक है। तो रियांग शब्द से अपन थोड़ा सा बना के याद करें। अगला नाम देखते हैं अशोक कुमार साहू, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। अशोक कुमार साहू, चिकित्सा, अशोक कुमार साहू, ए के साहू भी बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अशोक कुमार साहू चिकित्सा, तो साहू जो है ना वो किसको मार रहे हैं, बोले अशोक को मार रहे हैं, अशोक को मार रहे हैं साहू, क्यों, क्योंकि उनकी चिकित्सा, उनका इलाज सही से नहीं हो पाया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, उनके पास कोई उत्तर भी नहीं है कि भैया क्यों आपने इलाज नहीं कर पाया, तो वो कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो चिकित्सा को उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए अशोक कुमार साहू, अशोक को मार रहे हैं साहू जो है वो अशोक को मार रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा में उन्होंने सही इलाज नहीं किया, और जब प्रश्न किया तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। अगला नाम लिखा है भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, ठीक है। भूपेंद्र कुमार,
चिकित्सा के क्षेत्र में है उत्तराखंड, उधर अशोक कुमार थे और इधर भूपेंद्र कुमार है। तो भूपेंद्र कुमार सिंह जो है चिकित्सा, भूपेंद्र का मतलब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इसलिए उसको भूमि पे रख दिया, जमीन पर रख के चक्का जाम कर दिया, और चिकित्सा को चिकित्सक जो है उनसे झगड़ा कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं उत्तराखंड, सड़कों पर सब उतर गए हैं, उतर के अखंड हो गए हैं, उत्तराखंड यानी उतर के अखंड हो गए हैं, और एक गुस्सा दिखा रहे हैं हॉस्पिटल के खिलाफ, ठीक है। तो भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, इनको याद रखना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कुछ नामों को, जैसे अभी हमने याद करा अशोक कुमार साहू, अशोक कुमार रहे हैं साहू, क्यों, चिकित्सा के क्षेत्र में। सत्याराम रियांग, रिया का एक अंग खराब है लेकिन फिर भी वो पूरा काम कर लेती हैं, तो त्रिपुरा, ये उनके पास कला है, तो कलापन को याद रहेगा। धनंजय दिवाकर सचदेव, यानी कि धन को दिवाकर सच में उन्होंने चिकित्सा कराई, के कह रहे हैं सब ये रियल हीरो हैं, तो केरल। बॉम्बे जयश्री रामनाथ, बॉम्बे जयश्री यानी बॉम्बे जैसी मील बनवा रहे हैं, तू कल आ। कनक को राजू, यानी कनक को राजू क्या सिखा रहे हैं, गाना सिखा रहे हैं, क्योंकि उनके पास गाने की बहुत अच्छी कला है। बीरू वाला राभा, बीरू वाला राभा यानी कि ये बीरू वाला राभा है जो है समाज सेवा संबंधित है आसान, तो बीरू वाला राभा ने, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि बीरू ने इनको रवा दिया और उन्होंने आसानी से सारी चीज़ें उसकी बना के अपने समाज सेवा कर दी, तो समाज सेवा के क्षेत्र में है बीरू वाला राभा। बालन पुतेरी यानी कि बालों पर, इनके बालों पे कलर पोत दिया गया है, क्योंकि वो कह रहे थे कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, केरल केरल यानी के रहे थे, वो कह रहे थे, क्योंकि साहित्य तो शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो उनके पास जानकारी नहीं थी, तो उनके बालों को पोत दिया गया पुथेरी। के रामचंद्र फ्लावर, यानी रामचंद्र ने बहुत अच्छा फ्लावर बनाया है, क्योंकि वो कला उनकी बहुत अच्छी है, के का से कला, का से केरल। नंदा प्रष्टि की अपन बात करें तो नंदा प्रष्टि यानी नंदा पर ही ट्रस्ट है, बच्चों को नंदा पर ही ट्रस्ट है, क्योंकि नंदा उन्हें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बहुत ऊंचाई पर पहुंचने में मदद करेंगे, तो साहित्य और शिक्षा उड़ीसा। ग्रीस प्रभु ने, यानी ग्रीस बोलते हैं कि प्रभु ने उनको महान बनवाया है, क्योंकि ग्रीस जो है वो मतलब समाज सेवा करते हैं, ठीक है। तो नाम याद रहेंगे, नंदा प्रष्टि याद रहेगा, के रामचंद्र याद रहेगा, बालन पुथेरी याद रहेगा, ठीक है, बीरू बाला राभा को थोड़ा सा पढ़ लेना, अच्छे से याद करना, आसान याद कर लेना, असम से संबंधित है। कनक राजू को गाना सिखा रहे थे, उनके पास कला है। बॉम्बे श्री यानी बॉम्बे जैसी मील बनवा रहे हैं, तू कला देख ले। धनंजय दिवाकर है तो बोले धन को दिवाकर चिकित्सा कर दी, कह रहे हैं वो रियल हीरो है। सत्यराम रियांग है, रिया का एक अंग है, वो पूरा काम नहीं करता, फिर भी उसके पास कला है कि वो एक अंग से पूरा काम कर लेती हैं। अशोक कुमार साहू है, अशोक कुमार रहे थे साहू, क्योंकि चिकित्सा उन्होंने सही नहीं की और उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। भूपेंद्र कुमार सिंह है तो भूमि पर रख के चिकित्सक को मार रहे हैं, और उत्तराखंड यानी कि सड़कों पर उतर आए हैं खंडे लेके, ठीक है। अगला नाम देखते हैं, सिंधु ताई सपकाल, ठीक है। तो सिंधु ताई सपकाल ये समाज सेविका हैं और महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तो भाई जो सिंधु ताई हैं वो सबका भला करना चाहती हैं और वो बहुत महान है, तो सिंधु ताई सबकाल यानी कि सिंधु ताई सबका भला करना चाहती हैं और समाज की सेवा करना चाहती हैं, समाज का सेवा कर रही हैं। तो देखो लिखा है सिंधु ताई सबकाल याची, ठीक है, सबकाल याची, तो सिंधु ताई सबका भला करना चाहती हैं, इसलिए वो बहुत महान है और एक समाज सेविका हैं। अगला देखते हैं, चमन लाल सप्रू साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है और जम्मू से संबंधित है। तो बोले जब से जम्मू को अलग किया, जम्मू कश्मीर को अलग किया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तब से जम्मू कश्मीर में बोले चमन बरस गया है, ठीक है। तो चमन लाल सप्रू का संबंध साहित्य और शिक्षा से है, सा से साहित्य, सा से शिक्षा, ठीक है। तो चमन लाल सप्रू है तो इनका संबंध कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से है, याद रखना। नेक्स्ट, अगला नाम लिखा है रोमन शर्मा, क्या नाम लिखा है, रोमन शर्मा। तो भाई साहित्य शिक्षा पत्रकारिता, तो साहित्य शिक्षा और पत्रकारिता से संबंधित हैं, याद रखेंगे, साहित्य शिक्षा पत्रकारिता, और रोमन शर्मा है तो असम से संबंधित हैं, ठीक है, रोमन असम। देखो
देखो साहित्य शिक्षा, साहित्य शिक्षा यानी जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो कभी कभी रोने लगता है मन, यार पता नहीं कब तक पढ़ेंगे, पर आप पढ़ते रहें, कोशिश करते रहें तो मुश्किल से मुश्किल काम कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आसान हो जाएगा तो आसान, आज जब कोई काम आसान होगा तो आसान से अपन असम याद रखेंगे, ठीक है। तो भाई रोमन शर्मा यानी रोने का मन करता है जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, पर उस काम को क्या करना है, आसान बनाना है, रोना नहीं है। इमरान शाह साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में, ये भी असम, ठीक है। इमरान शाह, इमरान शाह को अपन को याद रखना है कि इमरान शाह ने शिक्षा ग्रहण करके अपने सारे मुसीबतों का मतलब मुसीबतों से छुटकारा पा लिया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसा बना लिया, आसान बना लिया। तो इमरान शाह स्टूडेंट जो है या इमरान शाह व्यक्ति जो है वो देखने को नहीं मिलता, इमरान शाह साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है इमरान शाह, कोई भी लड़का दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसने इतनी अच्छी शिक्षा करी है और शिक्षा ग्रहण की है और बड़ा ही अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रेमचंद शर्मा। प्रेमचंद शर्मा जो है कृषि संबंधित है और उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। तो प्रेमचंद शर्मा जो है वो कृषि और उत्तराखंड, तो प्रेमचंद शर्मा जो है बड़े प्रेम से कृषि करते हैं। प्रेमचंद शर्मा बड़े प्रेम से कृषि करते हैं और उत्तराखंड यानी खेतों में उतर जाते हैं जब उनका मन करता है तब, ठीक है। तो उत्तराखंड से संबंधित हैं प्रेमचंद शर्मा और कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव हॉर्टिकल्चर फार्मर फ्रॉम देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल जो है वो देहरादून है। अर्जुन सिंह शेखावत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में और राजस्थान। तो अर्जुन शेखावत का मतलब यह है कि अर्जुन को ज़्यादा सिखा मत, ठीक है। क्या लिखा हुआ, अर्जुन, अर्जुन को ज़्यादा, अर्जुन जो है अर्जुन को ज़्यादा सिखा मत, ठीक है। ज़्यादा सिखा मत वो तो बहुत होशियार है, सिखा मत। अर्जुन का जो भाई है दोस्त वगैरह, अर्जुन को ज़्यादा सिखा मत, उसे पहले से ज्ञान है, शिक्षा है। कहाँ से ज्ञान लिया उसने, राजस्थान से, ठीक है। इसलिए अर्जुन को ज़्यादा सिखा मत, उसको पहले से ज़्यादा शिक्षा मिली है। अगला नाम लिखा है राम यरतन शुक्ला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो राम राम यरतन शुक्ला, राम रतन शुक्ला से आप आ सकना, राम रतन शुक्ला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो राम के मंदिर में रतन लग रहे हैं, शुक्ला जी बता रहे हैं, और क्योंकि शुक्ल शुल्क मिल रहा है, बहुत सारा शुल्क मिला है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है कि राम जी के मंदिर में रतन मिलेंगे लगेंगे, और वो कहाँ पर बनेगा, उत्तर प्रदेश में बनेगा। तो उत्तर प्रदेश को याद रखना है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में राम राम यरतन शुक्ला जो है साहित्य शिक्षा से। जितेंद्र सिंह संटी, ठीक है। जितेंद्र सिंह संटी समाज सेवा और दिल्ली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितेंद्र का दिल नहीं लगता था पढ़ाई में, ठीक है। जितेंद्र का दिल नहीं लगता था पढ़ाई में, दिल नहीं लगता था। तो माँ उनकी संटी से पिटाई करती थी, कैसे पिटाई करती थी, संटी से पिटाई करती थी, ठीक है। और फिर बाद में जाके वो पढ़ाई तो नहीं करी, लेकिन काय में आगे बढ़ गए, समाज सेवा में, समाज की सेवा करने लगे। तो जितेंद्र सिंह संटी याद रखना, देखो उन्हें हंसी भी आ रही है सुन के। जितेंद्र सिंह संटी हैं समाज सेवा के क्षेत्र में और दिल्ली से संबंधित हैं, और लिखा हुआ है कि फाउंडर ऑफ भगत सिंह सेवा दल, वर्किंग 25 ईयर फॉर पुअर, गरीबों के लिए 25 वर्ष से लगे हुए हैं, देखो कंटिन्यू, ठीक है। अगला देखते हैं, करतार पारस राम सिंह कला के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश से हैं। तो भाई करतार पारस राम सिंह, तो करतार पारस राम सिंह का संबंध जो है कला से, ठीक है। करतार पारस राम सिंह करता है, ठीक है। पारस राम सिंह, ठीक है। तो कहीं ना कहीं करता है, परस करता है, कौन करता है, परस करता है, ठीक है। और कहाँ पर परस करता है, हिमालय पे जो आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं हिमाचल प्रदेश में, और अपने दोस्त को कह रहे हैं कला तेरे को भी खाना खिलाएंगे बढ़िया। करतार परस राम सिंह यानी कि राम सिंह परस करता है, तू कल आ और तेरे को भी खाना खिलाएंगे, पहाड़ पर आ बढ़िया, हिमाचल प्रदेश से अपन को, हिमाचल या हेमाचल, करतार परस राम सिंह। राम सिंह जो है वो हेमा की जो सिस्टर है, हेमा की जो सहेली है उसका भाई है। तो वो कह रही है कि हिमाचल तू कल आ, ठीक है। करता परस राम सिंह, राम सिंह अपना भाई है और वो परस करता है, तो अपन खाना खाने जाएंगे, तू कल आ। करतार सिंह वो अभी अपने
कला, और ये पंजाब से संबंधित है, वो करतार सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा के क्षेत्र में है और बिहार राज्य है, ठीक है। तो दिलीप कुमार सिंह को अपन क्या करना है, दिलीप कुमार बहुत बूढ़े हो गए इसलिए उनको चिकित्सा की जरूरत पड़ रही है, और अगर दिलीप दिलीप कुमार की मृत्यु हो गई तो ये अगर देखा जाए तो अभिनेताओं में बहुत बड़ी हार होगी, ठीक है। तो दिलीप कुमार सिंह यानी दिलीप कुमार बहुत बूढ़े हो गए हैं इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत पड़ रही है, और अगर उन्हें कुछ होता है तो ये डॉक्टरों की बड़ी हार होगी। चंद्रशेखर सिंह कृषि उत्तर प्रदेश, तो भाई कृषि करते करते ये चंद्रमा के शिखर पे पहुंच गए, ठीक है, बहुत अच्छे शिखर पे पहुंच गए हैं, और इनका संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश से। तो चंद्रशेखर तो चंद्रमा पर उतर जाते हैं, या चंद्रमा पर कैसे उतर गए, बस ऐसे याद रखो, इसकी ट्रिक बना लो, चंद्रमा पर कैसे उतर गए, चंद्रमा पर कैसे उतर गए। अपन जब बोलते हैं नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था, तो कुछ लोग ये भी तो सोचते हैं चंद्रमा पे यार ये कैसे उतर गए, कैसे पहुंच गए, तो चंद्रशेखर को याद रखना। अगला नाम लिखा है सुधा हरी नारायण सिंह, खेल से संबंधित है और उत्तर प्रदेश की हैं। सुधा नारायण बहुत अच्छी एथलीट है, बहुत बढ़िया एथलीट है, ठीक है, जिसमें स्टीपल चेज एथलीट है, स्टीपल चेज एथलीट फ्रॉम रायबरेली उत्तर प्रदेश, ठीक है, रायबरेली उत्तर प्रदेश है, और विनिंग मल्टीपल मेडल फॉर इंडियन ओवर, मतलब अलग अलग उन्होंने विधाओं में एक मतलब मेडल जीते हैं। तो याद रखना है सुधा हरी नारायण, क्या नाम लिखा हुआ है, सुधा हरी नारायण। तो हरी नारायण सिंह है खेल के क्षेत्र में, याद रखना, ये महिला खिलाड़ी हैं और इनके बारे में हमने बहुत सुना है, ठीक है। तो सुना है यानी ये सुधा हैं, सुधा हरी नारायण सिंह को खेल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश रायबरेली में पुरस्कृत किया गया है पद्मश्री से। अगला नाम लिखा है भाई बीरेन सिंह, तो बोले बीरेन सिंह का संबंध किस खेल से है, तो बीरेन सिंह का संबंध वैसे देख ही रहे होंगे, खेल यानी कि कुश्ती से है, ठीक है, कुश्ती से है और हरियाणा, ठीक है। तो बीरेन सिंह स्पोर्ट्स यानी कि एक लिखा हुआ है पैरा फ्री स्टाइल रेसलर फ्रॉम जज्जर जेमोस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इंडियन मल्टीपल मेडल ऑफ वर्ल्ड स्टेज यानी कि वीरेंद्र सिंह द फाइट फॉर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि एक प्रकार से बीरेन सिंह जो हैं बहुत अच्छे, ऐसे ऐसे याद रख लो कि बीरेन सिंह सहवाग है, उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी और क्रिकेट छोड़ के वो क्या करने लगे, बॉक्स मतलब कुश्ती लड़ने लगे, ठीक है। और बीरेन सिंह सहवाग का संबंध खेल से तो है ही, पर ये जो कहीं ना कहीं कुश्ती सीख रहे हैं तो कहाँ सीख रहे हैं, हरियाणा, तो हरियाणा को अपन को याद रखना है। मृदुला सिन्हा जो हैं, आपको पता है मृदुला सिन्हा जो हैं इनका संबंध बिहार से है, ठीक है, और एक मृदुला सिन्हा जो पढ़ी थी हमने गोवा की राज्यपाल पढ़ी थी, ठीक है। तो साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं, और मृदुला सिन्हा को भी एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार से हैं ये, और इनको मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो मृदुला सिन्हा को याद रखना है, मृदुला सिन्हा साहित्य और शिक्षा और बिहार, ठीक है। तो मृदुला को अपन याद रखना है, और मृदुला से मदिरा याद कर सकते हैं कि जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं उनको शिक्षा दी जा रही है कि वो सेवन ना करें, अगर मदिरा का सेवन करते हैं तो उससे उनकी बड़ी हार होगी, जिंदगी की बड़ी हार होगी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। तो मृदुला सिन्हा यानी कि मदिरा से ना करें, मदिरा से वो ना कहें, मदिरा का उपयोग ना करें, मदिरा से ना कहें, ठीक है, मदिरा सिन्हा। केसी शिवशंकर कला तमिल, ठीक है। तो केसे शंकर केस कैसे यानी कैसे, केसी यानी कि कैसे, ठीक है, शिव शंकर बोले कैसे, शिव शंकर जो है कैसे शिव शंकर हमें मिले, है ना, कैसे शिव शंकर हमें मिले, ऐसे कैसे मिलेंगे शिव शंकर हमें कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो केसी शिव शंकर का संबंध तमिलनाडु से है, और एक कला बोले तू कला तेरे को मंदिर में ध्यान लगवाएंगे और शिव शंकर से मिलवाएंगे, तू कला तेरे को ध्यान लगवा के हम शिव शंकर से मिलवाएंगे, तमिलनाडु से संबंधित है। गुरु माँ कमली सोरेन समाज सेवा संबंधित है, पश्चिम बंगाल की है। तो गुरु माँ कमली सोरेन, ठीक है, तो गुरु माँ सो रही हैं, गुरु माँ सो रही हैं, समाज सेविका हैं, समाज सेवा करती हैं गुरु माँ, और
पश्चिम बंगाल, गुरु माँ सो रही थी और पीछे से गुरु माँ की जो बहन आई और उन्होंने पीछे से ईख दिया गाल में खींच के, उन्हें गुस्सा आ गया। देखो इनको गुस्सा दिख रहा होगा इनके चेहरे पे कि मेरे को पीछे से गाल में किसने मारा, ठीक है। तो गुरु माँ कमली सो रही, यानी कि गुरु माँ जो थी वो कमरे में सो रही थी और पीछे से उनकी बहन आई और उन्हें पीछे से गाल में दे दिया। तो समाज सेवा और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला नाम लिखा हुआ है माराची सुब्बू रमन, समाज सेवा से तमिलनाडु, ठीक है। तो माराची सुब्बू रमन, माराची सुब्बू रमन यानी कि सुबह 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 रमन को मारा, ठीक है। वो एक मील में काम कर रहा था और बड़ा समाज का काम करने का, सामाजिक समाज के लोगों से मिला और वो कह रहा माराची सुब्बू रमन या सुबह सुबह रमन को क्यों मारा, मील में ही क्यों मारा, मील में सबके सामने क्यों मारा। तो समाज के लोगों को इकट्ठा कर लिया, गुस्से में खड़े हैं, देखो मेरे को कैसे मारा है, हाथ में मारा है मेरे को, देखो ऐसे कोई मारता है क्या। तो इस तरीके से माराची सुब्बू रमन। पी सुब्रमण्यम मरणोपरांत व्यापार उद्योग के लिए है, पी सॉरी पी सुब्रमण्यम है और इनका संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु से, ठीक है। तो तमिलनाडु के हैं ये और व्यापार से संबंधित हैं, तो व्यापार के लिए अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। पी सुब्रमण्यम, तो पी सुब्रमण्यम सुबह सुबह सुब्रमण्यम पीते हैं क्योंकि वो एक उद्योग में काम करते हैं और मील में दिन भर काम करते हैं, व्यापार करते हैं, इसलिए पी सुब्रमण्यम है, सुबह से ही पी लेते हैं ये, ठीक है। हाँ जी, अगला नाम देखते हैं। देखिए अगला नाम है नीदू मोलू सुमिति, कला के क्षेत्र में है, आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक मृदंग वादिका हैं ये, ठीक है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं, मृदंग। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नीलू मोदी जो है, नीलू मोदी सुमिति को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, नीलू मोदी जो हैं वो कला के संबंधित हैं और आंध्र प्रदेश, ठीक है। नीलू मोदी सुमिति ऐसे ही बोल सकते हैं, नीरू मोदी जो है ना, नीरू मोदी जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ रुपए को लेके, ठीक है, कुछ फर्जीवाड़ा करके भाग गए हैं और गवर्नमेंट उनकी बिल्कुल नहीं सुनती है, ठीक है, गवर्नमेंट किसी की नहीं सुनती है। तो सुमिति नीलू बोली, ठीक है। आंध्र प्रदेश को भी अब याद रखना है थोड़ा सा कि नीलू नीदू मोलू मोलू सुमिति ये केवल सुनती हैं, इनको कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, दिखता नहीं है, यानी कि ये कैसी हैं, आंधी हैं, आंधी यानी कि आंध्र प्रदेश, अपन को याद रखना है। तो नीलू नीदू मोलू सुमिति जो है कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में से संबंधित हैं, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ कपिल तिवारी, बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं, क्योंकि मैंने आपको तीन नाम बताए थे, एक नाम बताया था मैंने आपको सुमित्रा महाजन, ठीक है, सुमित्रा महाजन, और दूसरा नाम बताया था मैंने आपको भूरी बाई, दूसरा नाम क्या बताया था, भूरी बाई, और तीसरा नाम हो गया, तीसरे नंबर का नाम हो गया कपिल तिवारी। तो ये कपिल तिवारी हैं, हमारे मध्य प्रदेश से हैं और इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, फादर बॉल्स। देखो फादर बॉल्स का मतलब फादर हमेशा बोलते हैं, किस चीज़ के लिए बोलते हैं कि पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, ठीक है, खूब पढ़ो। और फादर ने एक पेन दे दिया, लो इस पेन से लिखो, ठीक है। इस पेन को अपन क्या याद रखेंगे, इस पेन, बोले इस पेन से लिखो, फादर बोलते हैं, साहित्य यानी सबके हित में बोलते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। तो फादर वॉल्स जो है वो लिटरेचर एजुकेशन संबंधित है और देश कौन सा है, स्पेन। अगला नाम लिखा है थिरु बेंगदम बीरा राघवन। तो देखो बीरा राघवन है, बीरा को राघव मिले वन में, ठीक है, बीरा राघवन, आप पूरा नाम याद ना करो, टी बीरा राघवन याद कर लो, ठीक है। तो बीरा को बीरा राघवन, बी यानी बीरा को राघव मिले वन में, और उनसे राघव वन में मिले तो उनसे चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा उससे चिकित्सा करा ली, क्योंकि बीरा जो है बहुत उसके पैर में चोट लगी थी, उसे चिकित्सा की जरूरत थी। तो बीरा को राघव मिले वन में, और मिले यानी कि तमिल, ठीक है, तो राघव मिल गए वन में, जिससे उन्होंने उसके चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। तो बीरा राघवन, बीरा को राघव मिले वन में और राघव ने उनको चिकित्सा दिला दी, और जब राघव मिल गए तो उन्होंने उनको चिकित्सा दिला दी, तमिलनाडु से संबंधित है। अगला नाम लिखा है श्रीधर बैम्बू।
श्रीधर बेम्बू जो है वो व्यापार या उद्योग से संबंधित है, श्रीधर बेम्बू। तो श्रीधर बेम्बू का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। ठीक है, तो अपन को याद रखना है श्रीधर बेम्बू। तो श्रीधर बेम्बू जो है, श्रीधर बेम्बू जो है, या ऐसे बोल सकते हैं श्रीधर जो बेम्बू, बेम्बू बोलते हैं बांस को। ठीक है, बेम्बू यानी बम्बू, किसको बोलते हैं? बेम्बू बोलते हैं बांस को। तो श्रीधर जो है ना, श्रीधर जो है ना, बेम्बू का कहीं ना कहीं उद्योगों में बेम्बू पहुंचाते हैं। ठीक है, और मिल में बांस से फिर कागज़ बनाया जाता है, कागज़ तैयार किया जाता है। ठीक है, तो बेम्बू को अपन को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, के वाई वेंकटेश खेल कर्नाटक। तो के वाई वेंकटेश यानी के वाई, भाई ने कहा, और वेंकटेश जो है वो स्पोर्ट्स में उन्होंने अपना कैरियर बनाना सोचा कि कैरियर बने उनका, और खेल में वो सक्सेसफुल हो गए। देखो कितने सारे मेडल हैं उनके पास। ठीक है, और कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक यानी पहले ये करते थे नाटक, पहले सीरियल में यानी नाटक में काम करते थे, नुक्कड़ नाटक में काम करते थे, पिक्चर में काम करते थे, पर के भाई वेंकटेश ने इनको खेल में ऐसा मतलब इंटरेस्ट जगा दिया जिससे वो जो है वेंकटेश जो है खेल में बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, तो के वाई वेंकटेश हैं और कर्नाटक से संबंधित है। अगला नाम लिखा है उषा यादव, साहित्यिक और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। उषा यादव यानी कि सब आपके हित में बोलते हैं कि अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हो तो आप ऊषा यानी आप बहुत ऊंचा स्थान ग्रहण कर सकते हो शिक्षा के माध्यम से, बहुत ऊंचा स्तर कर लेते हो, एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हो, आपकी स्थिति बहुत कुछ सुधर जाती है। ठीक है, तो उषा यादव याद रखना, इनका संबंध कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। तो उषा यादव साहित्य और शिक्षा, उषा यादव का संबंध साहित्य और शिक्षा से है, और इनका संबंध किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। तो आपके लिए ऊंचा उठना है तो आपके लिए शिक्षा ही उसका उत्तर होगा उस प्रश्न का, कि आप ऊंचे कैसे उठें, तो उसका उत्तर शिक्षा प्राप्त करना होगा। अगला नाम लिखा है कर्नक काजी सज्जात अली जाहिर, जनसेवा के क्षेत्र में बांग्लादेश से संबंधित है। तो भाई इसमें नाम लिखा हुआ है कर्नक काजी सज्जात। ठीक है, काजी सज्जात यानी, वैसे सज्जात यानी सब जानते हैं इनको कि ये कौन है, काजी है, पर ये काजी जो है वो क्या करते हैं? समाज सेवा करते हैं। और कहाँ से संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। तो अपन को याद रखना है कर्नक काजी सज्जात, काजी सज्जात जो है, काजी सज्जात अली जाहिर जो है वो जनसेवा के क्षेत्र में बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, इससे पहले के कुछ नाम देख लेते हैं। ऊषा यादव, तो ऊंचा उठना है तो शिक्षा आपको ऊंचा उठा सकती है जी। आपके लिए अगर प्रश्न उठता है मन में तो आपका उत्तर यही है कि शिक्षा प्राप्त करो और अपने जीवन के स्तर को ऊंचा करो। के भाई वेंकटेश, के भाई वेंकटेश को, भाई वेंकटेश को खेल में उतार दिया, और पहले वो कर्नाटक, पहले नाटक करते थे, पिक्चर बनाते थे, अब भी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीधर बेम्बू, बेम्बू है, बेम्बू यानी कि बांस, और श्रीधर जो है ना बाम्बू, बेम्बू यानी बेम्बू को उद्योग में पहुंचाते हैं, उद्योग मिल में पहुंचाते हैं, और उद्योग से मिल से कागज़ तैयार कराते हैं, तो बेम्बू का बिजनेस है। उद्योग के क्षेत्र में तमिलनाडु से संबंधित है। थिरुवेंग बीरा राघवन, बीरा को राघव मिले वन में, और जब बीरा को राघव मिले वन में तो उनको चिकित्सा मिल गई, चिकित्सा मिल गई। फादर बॉल्स यानी फादर जो हैं, फादर हमेशा बोलते हैं कि शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए बोलते हैं, सबके हित के लिए बोलते हैं कि शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और इस पेन से लिखो, आप इस पेन को रखो, इस पेन से लिखना फादर बॉल्स। कपिल तिवारी मध्य प्रदेश साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में, सुमित्रा महाजन, भूरी बाई और कपिल तिवारी तीन व्यक्ति हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नीदू मोलू सुमिति, नीदू मोलू सुमिति यानी कि नीदू और मोलू जो है वो, नींदू और मोलू जो है वो सुनते रहते हैं, क्या सुनते रहते हैं कि ये बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं या मृदंग बजाती हैं, सुनते रहते हैं क्योंकि अंधी हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश से अपन याद रखेंगे नीदू मोलू को। पी सुब्रमण्यम, पी सुब्रमण्यम यानी सुबह सुबह क्या है, पी लेते हैं क्योंकि उद्योग में काम करते हैं, मिल में काम करना पड़ता है, इसलिए पी के बैठ जाते हैं सुबह सुबह। माराची सुब्बू रमन, क्या नाम लिखा है? माराची सुब्बू रमन, सुब्बू सुब्बू रमन को मारा, तो समाज सेवकों को, समाज के लोगों को बता रहे हैं कि यार मील में इतना मारा मेरे को, इतना मारा, ऐसा मारा, देखिए बता रहे हैं कैसे मेरे को मारा पीटा यहाँ पर। गुरु माँ कमली सोरेन, यानी गुरु माँ जो थी वो आराम से कमरे में सो रही थी, उनकी सिस्टर आई पीछे से एक दिया गाल में, देखो कितनी गुस्सा में आ गई।
केसी शिवशंकर, यानी शिवशंकर को कैसे कैसे शिवशंकर को देखें, या तो बोला कल आ और तू मिल, कल आ तू मिल, मैं तेरे को ध्यान कराऊंगा, शिवशंकर से मिलाऊंगा। मृदुला सिन्हा है तो मृदुला सिन्हा यानी कि मृदुला यानी कि मदरा से ना बोलें, अगर ना नहीं बोलेंगे तो आपकी बहुत बड़ी हार होगी, और एक शिक्षा ले लें कि कभी भी मृदुला का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरे आपके पद्मश्री पुरस्कार हो चुके हैं, कंप्लीट मैंने करा दिए हैं, और बाकी का जो आपकी जो फाइल है, नई फाइल जैसे भी अवेलेबल होगी मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, जल्दी आपको फाइल भी मिल जाएगी और आगे के करंट अफेयर्स अपन तैयार करना शुरू करेंगे। तो जो भी नाम है उनको आप जरूर पढ़ें, PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लें। ओके, मिलती है अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।